हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो देखो ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आपके मतलब कि 2017-16 से लिए हैं मैंने, ये आ चुके हैं आपके एमपी पुलिस में। ठीक है, अब देखो सर, अब ये जो क्वेश्चन देके रखा है, अगर आप इसे ऐसे सॉल्व करोगे, 5 का गुणा 1 में करोगे, फिर माइनस लिखोगे, 5 का गुणा x में 5x लिखोगे, तो 3 का इसमें, 3 का इसमें करोगे, ऐसा तो बहुत टाइम जाएगा। अब सबसे अच्छा काम क्या है, वैल्यू को पुट करके देख लो। यहां पर अगर इसमें ये चारों चारों ऑप्शंस लिखे, ये ऑप्शन इस पर पुट करने पर यदि मुझे 8 मिल रहा है तो इसका मतलब वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं किससे, 0 से ही चेक कर लो आप यहां पर। ठीक है, या 2 से चेक कर लो, जिससे आपको चेक करना है कर लो, 0 से चेक कर लो, आसान होता है 0 से चेक करना। 0 मैंने इस पे रखा, तो 0 अगर मैं इस पे रखूंगा तो सर मेरे पास कितना बचेगा, यहां पर 0 इस पे रख दिया तो 5 का कितना बचेगा, 5 बचेगा सर मेरे पे। x की जगह पर फिर मैंने क्या रख दिया, 0, यानी कि x इज इक्वल टू मैं यहां पर क्या रख रहा हूं, हर जगह पर 0। तो अगर मैंने x की जगह पर मैंने यहां पर क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो बताओ मुझे कितना बचेगा, 3 + 3 प्लस का कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर नीचे यहां पर मैंने 0 रख दिया x की जगह, तो अकेला क्या बचेगा, यहां पर 1 बचेगा, यानी कि 8 आ रहा है बराबर में। तो 8 किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया, यानी कि 8 बराबर क्या हो गया, 8। यही चीज हम चाहते थे, इसका मतलब आपका सही आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 0 हो गई। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखो, यहां पर भी वही काम करो, आप अंडर रूट क्या करोगे, दोनों तरफ वर्ग निकालो, दोनों तरफ स्क्वायर करने की कोशिश करोगे, वर्ग करने की कोशिश करोगे इसका। उससे बेहतर काम क्या है, ऑप्शन पुट करके देख लो इनके अंदर। चलो इसमें मैं 3 पुट कर देता हूं, तो देखो जरा 3 करूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, x की जगह पर पहले 3 पुट कर दो, नहीं होगा तो फिर 4 कर देना, नहीं होगा तो फिर 5, और अगर फिर भी नहीं हो तो फिर 2 कर देना, कोई ना कोई आंसर तो होगा इसमें। तो देखो मैंने सबसे पहले x की जगह पर कितना रखा, 3, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, उसके बाद में यहां पे लिखा हुआ 25। ठीक है, x की जगह मैंने कितना रखा, 3, और 3 में से 1 मैंने माइनस किया, 3 में से 1 माइनस करोगे 2 बचेगा, 25 में से 9 जाएगा, यानी कि अंडर रूट का 16, अंडर रूट 16 का मुझे पता है कितना होगा, 4, 4 = 2, यानी कि 4 = 2 तो यहां पर हुआ ही नहीं है। अगर नहीं हुआ तो फिर एक काम करो, दूसरा काम यहां पर ये करना है, इसको पुट करके देख लो, यदि मैं x बराबर यहां पर कितना रखता हूं, 4 रखता हूं, तो देखो जरा अंडर रूट का कितना देके रखा है, 25, और 25 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 16, और बराबर x की जगह पर मैंने रखा है 4 - 1, आपको पता है 4 - 1 हो जाएगा 3, 25 में से 16 जाएगा कितना बचेगा मेरे पास, 9, अंडर रूट 9 यानी कि 3 होता है, बराबर मुझे मिल गया 3। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 4 यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको वैसे सॉल्व करने की कोशिश मत करो, जो ऑप्शंस देके रखे हैं उन ऑप्शंस को इसमें x की जगह पर पुट कर लो, बराबर में जो भी है अगर वो उसके बराबर आ रहा है तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो जरा, अब इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करोगे तो इसके पहले एक काम आप और कर लो, इसको और ज्यादा सिंपलीफाई कर लो, सरल कर लो इसे। इसमें यदि ये ऑप्शन पुट करने पर, यानी कि y की वैल्यू ऊपर और नीचे पुट करने पर, 3 से, 2 से, 5 से या 1 से पुट करने पर यदि 7/4 आ जाएगा तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले मैं क्या करता हूं, y माइनस का 3 और माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4y, डिवाइड में क्या दिया है, 8 का 8y माइनस का कितना हो जाएगा 2 और माइनस कितना हो जाएगा ये 5y, बराबर में कितना दिया है 7/4 दिया है 4, आप पुट करके देख लो यहां पर कितना दिया 4y और 1y, कितना दिया 5y माइनस का 3/8y में से 5y जाएगा तो कितना बचेगा 3y माइनस का 2 बराबर कितना दिया है 7/4। अब तो बहुत आसान हो चुका है ये, अब आप इसमें क्या करो y की जगह पर 3 पुट करके देख लो, तो 3 में पुट करूंगा तो 5 * 3 = 15, 15 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 12 बचेगा, मैंने 3 पुट किया है पहला ऑप्शन में चेक करके देख रहा हूं, फिर 3 यहां पुट करूंगा तो 3 * 9, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, यानी कि 12/7 तो नहीं दिया, 7/4 दिया तो पहला ऑप्शन गलत, यानी कि 3 आंसर नहीं हो सकता। इस 2 को पुट करके देखो, 2 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 5 * 2 कितना हो जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा यहां पर, फिर यहां पर 3 * 6, 6 में से 2 जाएगा 4, बिल्कुल सही 7/4/7/4 बराबर, यानी कि 2 आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप अच्छे से, मैं दूसरे क्वेश्चन आप लोगों को उसके बाद फिर मैं बताता हूं।
चलिए इसके बाद ये वाले क्वेश्चंस को देखिए, ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बता दूंगा। चलो पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर दे के रखा है, बाकी है कुछ भी नहीं उसमें। एक बात जरा ध्यान से देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, यदि मैं ऐसा लिखता हूँ 2 की पावर 2 × 2 की पावर यदि मैं लिखता हूँ 3, यानी कि आधार दोनों के सेम होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। ऐसे में क्या होता है, इनकी जो पावर्स होती है, पावर जो होती है वो जुड़ जाती है, यानी कि मैं 2 की पावर कितना लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 2 का गुणा यदि 2 की पावर 3 का करूंगा तो जोड़कर 2 की पावर 5 कर सकते हो उसको। यदि मैं 3 की पावर 2 लिखूंगा और 3 की पावर 3 लिखूंगा तो 3 की पावर 5 हो जाएगा। 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5 हो जाएगा। इसी तरह से हमें इन पावर्स को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा जोड़ने पर, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 की पावर कितना देके रखा, n प्लस 2n, और ये जो जुड़ेगा इसमें कितना हो जाएगा, n जुड़ जाएगा। आया कितना समझ में, इन दोनों को जोड़ देंगे। मैंने यहाँ पर 2 और 2, 2 यहाँ पर रहेगा, 3 और 2 होता है 5, 5 को ऐसा लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर जो पावर दी है ये वाली और इस 2 के ऊपर पावर दी, इन दोनों को जोड़ दो। इस यहाँ पर क्या लगा, भाग का साइन लगा हुआ है, और 2 की पावर कितना दिया है, m माइनस n, जो इसके बराबर है 16 के बराबर दे के रखा है आपको, ठीक है। अब आप क्या करोगे इसमें, 2 की पावर m प्लस 2n प्लस n, तो मैं इसे 2 की पावर इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, m प्लस हो जाएगा 3n, और बटे में क्योंकि डिवाइड दे के रखा है मुझे, ये दे के रखा डिवाइड, बटे में 2 की पावर m माइनस n हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। जो किसके बराबर दे के रखा है मुझे, ये मुझे दे के रखा है 16 के बराबर। अब एक नियम आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि यदि मुझे 2 की पावर 3 दे के रखा है और 2 की पावर यदि मुझे 2 दे के रखा है तो क्या करूंगा मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 माइनस, ये 2 ऊपर जाएगा तो 3 माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा 2 की पावर 1, यानी कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुत छोटी सी बात है, ये सबको समझ में आती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि यदि मुझे a अपॉन, यदि a की पावर मुझे दे के रखा है 3 और b की पावर यदि मुझे दे के रखा है 2 दे के रखा है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसे a की पावर 3 मुझे दे के रखा है और a की पावर ही फिलहाल के लिए 2 मान लो आप, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूं a की पावर कितना लिख सकता हूं 3 माइनस का लिख सकता हूं 2 लिख सकता हूं, यानी कि कितना हो जाएगा a की पावर 1 बराबर 1 a हो जाएगा। यहां इतनी बात तो सबको समझ में आ गई है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई यहां पर, तो देखो फिर आगे मैं इसको क्या करूंगा, देखो आधार से मैंने दोनों का आधार से मैं, तो आप ऐसे ऊपर लेकर माइनस कर दो, नीचे से ऊपर जाएगी पावर तो माइनस हो जाती है हमेशा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा भाई 2 की पावर n + 3n और माइनस कर दूंगा मैं यहाँ पर कितना, माइनस लिख दूंगा n, माइनस का क्या हो जाएगा n जो दे के रखा है मुझे किसके बराबर, 16 के बराबर। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, जब स्पीड हो जाएगी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो आसानी से कर सकते हो। अब आपका आंसर आ जाएगा n प्लस 3n, माइनस का मल्टीप्लाई इस पे करूंगा माइनस का इस पे करूंगा, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, या माइनस का m और प्लस का n, माइनस का m और प्लस का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इस n से m को कैंसिल कर दिया मैंने, 2 की पावर 3n और n, 2 की पावर 4n लिख दिया मैंने। अब जरा ध्यान से देखना, ये 16 दे के रखा है मुझे, 16 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 मैंने इसे इसलिए लिखा है मुझे यहां पर आधार सेम करना है, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा n का मान, n का मुझे मान पता करना है यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी तभी तो निकाल पाऊंगा। अब आप इसे आसानी से निकाल सकते हो, यानी कि 2 और 2 आधार जब सेम हो गए तो 4n बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से निकाल लो n किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, काट देना दोनों को, n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने बहुत ज्यादा एक 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 स्टेप करके बताया है आपको, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आया समझ में, चलो ये बात ध्यान रखना, इतनी बात ध्यान रखना कि बेस यदि दोनों के सेम हो और नीचे कोई वैल्यू दिए तो ऊपर जाके वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाती है हमेशा, ठीक है। चलो अब देखो ये भी देखकर रखा है, मैंने आपको एक नियम बताया है कि आधार मुझे बराबर करने पड़ते हैं तभी पावर एक दूसरे के बराबर हो पाती है, तभी पावर एक दूसरे के बराबर हो पाती है। यही नियम मैं यहाँ पर लगाऊंगा, 3 की पावर x + 8 देकर रखा है जो बराबर है, अच्छा ये 27 देकर रखा है, 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लाई में देकर रखा है 2x + 1 मुझे देकर रखा है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 3 की पावर x + 8 मुझे जो देकर रखा है, अब एक काम करो, इतना क्यों लिखूंगा मैं, 3 और 3 आधा से मैं
तो पावर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, मतलब क्या हो जाएगा x plus 8 बराबर हो जाएगा, गुणा कर दो इनमें 3 दूनी 6x हो जाएगा और 3 यहां हो जाएगा, यानी कि जब बेस यानी कि आधार सेम हो जाए तो पावर को एक दूसरे के बराबर कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अच्छा x को मैं उधर लेकर जाऊंगा तो भाई 5x हो जाएगा, इधर से इधर जाएगा तो 5x हो जाएगा, इधर से ये 3 3 इधर आएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1 आ गई, जो कि बिल्कुल सही हो गया। ठीक है चलो अब आगे की चीजों को देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ना अंडर रूट देके रखा है 248, फिर अंडर रूट देके रखा है 52, फिर अंडर रूट देके रखा है 144, इसे आप इस तरह से सॉल्व किया करो, ठीक है ना, यानी कि इस तरह से सॉल्व किया करो इसे आप, तो आपको बड़ा आसान होगा, इधर से कभी भी कोशिश मत करना सॉल्व करने की। चलो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 248 को लिख लेने दो और प्लस लिख दो यहां पर, 144 मुझे देके रखा है, मुझे पता है कि अंडर रूट 144 किसके बराबर होता है, अंडर रूट 144 होता है 12 के बराबर, अंडर रूट 144 किसके बराबर होता है 12 के बराबर होता है बिल्कुल, तो मैं यहां से 12 जोड़ दूं तो किसमें 52 में, 52 और 12 कितने होते हैं 64 होते हैं, तो यहां पर अंडर रूट देखो अंडर रूट देके लगाया मुझे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 64, अब मुझे पता है यहां पर कि अंडर रूट 64 किसके बराबर होता है 8 के बराबर होता है, ठीक है अंडर रूट 64 किसके बराबर होता है 8 के बराबर होता है, यानी कि इतनी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि 248 में अब मुझे कितना जोड़ना है, अंडर रूट 64 की वैल्यू कितनी है 8 है तो 8 जोड़ दो, यानी कि अंडर रूट कितना हो जाएगा 256, 256 सभी जानते हैं भाई 16 का होता है, ठीक है अंडर रूट 256 की जो वैल्यू होती है वो 16 होती है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, अंडर रूट 144 की वैल्यू कितनी थी 12 थी, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया इसको हटाकर इसकी जगह पर क्या कर दिया 12 जोड़ दिया, तो 52 और 12 कितने हो गए भाई 64 हो गए, उसके बाद आपको मैंने समझा ही दिया क्वेश्चन। चलो इसको देखो जरा ध्यान से क्या करेंगे, अच्छा ये जो मुझे देख रहा है मुझे पता है इस साइड से मुझे सॉल्व करना है, कभी भी इधर से सॉल्व मत करना, इस साइड से सॉल्व करना, 49 अंडर रूट 49 की वैल्यू मुझे पता है भाई, पहले तो मैं इधर से लिख देता हूं 5 प्लस अंडर रूट कितना देख रखा है 11 प्लस अंडर रूट कितना देख रखा है 19 प्लस अंडर रूट, अब देखो जरा ध्यान से 49 अंडर रूट 49 की वैल्यू मुझे पता है, इस वाले की वैल्यू होती है भाई कितनी होती है 7 होती है, ठीक है 29 में मैंने जोड़ दिया 7 तो कितना बन जाएगा बोलो 36, तो मैं 36 को यहां लिख दिया। अब दूसरी स्टेप में इतनी सारी स्टेप करने की जरूरत है नहीं हमें, ठीक है हम उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, सीधे उसे कैलकुलेट कर दोगे, लेकिन फिर भी मैं एक एक स्टेप बता देता हूँ आपको, यहाँ पर कितना दिया 11 और प्लस अंडर रूट 19, अच्छा अंडर रूट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 19, 36 का कितना होगा भाई 6 होता है तो 6 को लिख दिया, ठीक है 6 को लिख दिया मैंने, 19 और 6 होता है भाई 25, अब ध्यान से देखो 19 और 6 कितना होता है 25, यानी कि इसको हटा करके क्या लिख देता हूँ यहाँ पर 25 लिख देता हूँ, 25 का कितना होता है 5 होता है, मुझे इतना पता है 25 का कितना होता है भाई 5 होता है, अंडर रूट का कितना हो जाएगा 11 प्लस कितना होता है 5, 11 और 5 कितना होता है भाई मुझे पता है 11 और 5 कितना होता है 11 और 5 होता है भाई 16, 11 और 5 होता है 16, 16 का वर्ग 16 का क्या हो जाएगा वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 और 4 कितने होते हैं 9 होते हैं, यानी कि अंडर रूट मुझे मिलेगा यहां पर से 9 जिसकी वैल्यू होती है 3, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है इसको नोट कर लो जल्दी से। चलिए इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूं, ये भी आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, कुछ एमपीएसआई के 2017 के 2016 के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर और कुछ एमपी कांस्टेबल के हैं आपके, ठीक है चलो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो ये एग्जाम में है, विचारो तीनों जो मैंने लिखे ये भी सब एग्जाम में ही आपके, ठीक है एग्जाम के ही। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया है मेरे प्रीवियस वीडियोस में, देखता हूं जो मेरे पुराने वीडियोस में बता रखे मैंने आपको सब बताया था कि पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम लोग ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, वो मैंने आपको पूरा सिंपलीफिकेशन सरलीकरण सारे बता रखे हैं उसमें, आप इसको देखो जरा ध्यान से, यहां पर सबसे पहले बट और उसके बाद डिवाइड का साइन है, उसके बाद क्या लिखते हैं यहां पर 1 प्लस आप लिखे रहने दो 1 को और उसके बाद में भाग का साइन लगे रहने दो 1 प्लस 1, मुझे इसे सॉल्व करना है सबसे पहले इसलिए मैं यहां तक ऐसा का ऐसा लिख रहा हूं उसे। अच्छा इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप सबसे पहले 1 plus 1 divided by 2 देके रखा है मुझे, यानी कि 1 plus 1 तो ये कितना हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, इसको पहले इस तरह से लिख दो आप,
इतना लिख लिया, चलो इसी में ही हम लोग एक बार और से सॉल्व कर देते हैं। तो दो एकम दो हो जाएगा, दो एकम दो और एक कितना दिया तीन, तो तीन बटे कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। यानी कि मैं यहीं से कह दूंगा तीन बटे के दूंगा दो लिख दूंगा मैं से। इतनी बात आपको आ गई समझ में? चलो यहीं पर मैंने से कह लिया तीन बटे दो लिख दिया मैंने यहाँ पर से। अब मैं और यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ देके रखा है मुझे वन प्लस कितना देके रखा है एक। मैंने आपको बताया था कि डिवाइड के बाद में, डिवाइड के बाद में यदि मुझे फ्रैक्शन में वैल्यू देके रखी हो, भिन्न में देके रखी हो, तो डिवाइड के साइन को गुणा में बदल दो और इसको ऊपर कर दो, ये जो भी मैंने दिया है इसको पलट दिया करो, तो कितना हो जाएगा दो बटे यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में तीन। यानी कि दो बटे मेरे पास कितना हो गया तीन हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में? फिर मैं क्या करूंगा, इस वन को जोड़ दूंगा, वन प्लस कितना हो जाएगा एक का मैं इसमें करूंगा तो कितना बचेगा दो बटे तीन ही बचेगा मेरे पास में। फिर इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, तीन एकम तीन और दो कितना हो जाएगा पांच, पांच बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर तीन। यानी कि इतना अगर मैं ध्यान से देखो कितना पूरा सॉल्व करने पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व करने पर मेरे पास पांच बटे कितना आ रहा है तीन आ रहा है। तो क्यों ना मैं सीधे सीधे इसको लिख दू पांच बटे तीन, कितना पूरा सॉल्व करने पर मेरे पास कितना आ गया भाई पांच बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर तीन आ गया। अब आपको कुछ नहीं है, इतना और सॉल्व कर लो आप, इतना कर चुके हो तो ठीक है। वन प्लस वन, वन को ऐसा लिख देंगे तो डिवाइड जो देके रखा है क्योंकि फ्रैक्शन है तो गुणा लिख दो, पहले तो डिवाइड के साइन को चेंज करके क्या कर दो गुणा कर दो, इसको पलट दो तो तीन बटे कितना हो जाएगा ये पांच हो जाएगा। ये भी आपको इतना समझ में आ गया। फिर क्या करोगे आप यहाँ पर, वन डिवाइड बाय यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर मुझे देखे रखा एक का गुणा इसमें करूंगा तो तीन बटे पांच ही बचेगा ठीक है, तीन बटे पांच बचेगा तो इसको हटा दो, इसको हटा दो कोई जरूरत नहीं है। वन प्लस तीन बटे पांच, पांच एक पांच और तीन कितना हो जाएगा आठ बटे मेरे पास बचा है यहाँ पर कितना पांच बचा है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, एक डिवाइड यानी कि कितना हो जाएगा गुणा, इसको दोनों को पलट दो तो कितना हो जाएगा पांच बटे आठ। तो यानी कि आपका फाइनल आंसर आ गया है पांच बटे आठ, आपका फाइनल आंसर हो गया। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को बिना पेन वगैरह उठाए एक ही बार में इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए हम लोगों को। जब आप इस तरह के क्वेश्चन लगा लोगे 40 50 100 150 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे ना तो उसके बाद फिर मन में कैलकुलेशन होना शुरू हो जाती है ठीक है। चलो अब ये सारी चीजों को देखो जरा ध्यान से, आपको क्वेश्चन आता है पेपर में पुलिस एमपी पुलिस में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा भिन्न बताओ, आप लोगों को फ्रैक्शन में वैल्यू दे देंगे भिन्न दे देंगे एक के सारे, इसमें से पूछेंगे सबसे छोटा भिन्न कौन सा है या सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है हमारे पास में। तो अब इनको भिन्न को पढ़ने के पहले एक चीज पहले समझ लो, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, मतलब कि जब चीजें डिवाइड होती है एक दूसरे के। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है किसी भी भिन्न का या फ्रैक्शन का कि ऊपर होनी चाहिए छोटी संख्या और नीचे होनी चाहिए बड़ी संख्या, नीचे होनी चाहिए बड़ी संख्या ऊपर होनी चाहिए हमेशा छोटी संख्या, तभी हम उसको क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोलेंगे किसी भी फ्रैक्शन का। अब मुझे इन चारों के अंदर से मुझे क्या करना है, छोटा भिन्न मुझे निकालना है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन मुझे पता करना है इन चारों में से। पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो मैं कोई ऐसा डिवाइड तो करूंगा नहीं कि 13 का डिवाइड 9 में दे रहा हूँ, 26 का डिवाइड 17 में, 19 का डिवाइड 28 में, ये तो पता नहीं कितना टाइम ले लेगा इस तरह से। तो आप क्या करो, आप क्या करो इसमें से इन दोनों का अंतर पता कर लो, इन दोनों का अंतर पता कर लो कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर जब मैं पता करूंगा तो भाई यहाँ पर 4 आ रहा है, इन दोनों का अंतर में पता करूंगा तो 6 7 कितना आ रहा है 9 आ रहा है, इन दोनों का अंतर पता करूंगा तो भाई कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इन दोनों का मैं अंतर पता करूंगा तो कितना आ जाएगा यहां पर मेरे पास में 17 2 19, यानी कि अंतर यहां पर आ गया 19। इन दोनों का माइनस 4, इन दोनों का माइनस 9, इन दोनों को माइनस करूंगा 1 बचेगा, इन दोनों को माइनस किया मैंने 19 बच जाएगा। अब एक बात देखो जरा ध्यान से, अंतर करने पर संख्या जितनी बड़ी मिलती है, अंतर करने पर संख्या जितनी बड़ी मिलती है उतना ही छोटा आपका भिन्न होगा, उतना ही छोटा क्या होगा भिन्न होगा। अंतर करने पर, अंतर करने पर संख्या मुझे जितनी बड़ी मिलेगी भिन्न उतना ही छोटा होगा, इस बात को ध्यान करें। अब आप ध्यान से देख लो, अंतर कर रहा जब मैंने यहां पर 9 और 13 का अंतर किया 4 17 26 9 28 29 1 33 52 किया 19 आ गया, सबसे बड़ा अपने पास अंतर कहाँ आया, सबसे बड़ा अंतर मेरे पास 19 आया है, 19 किसका आया है 33 बटे 52 का आया है, तो बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? बस यही करना, एक चीज छोटी सी समझ लो, 1 बटे 2 लिखा है मैंने, फिर मैंने लिखा 1 बटे 5 लिखा है, फिर मैंने लिखा 1 बटे 10, बताओ इनमें से सबसे छोटा बिंदु कौन सा है, सबसे छोटा बिंदु कौन सा है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर,
एक बटे दो में से अंतर किया मैंने यहाँ पर एक आ गया अंतर पांच और एक में किया कितना आ गया चार आ गया दस और एक में किया मैंने यहाँ पर क्या आ गया नौ आ जाएगा यानी कि अंतर सबसे ज्यादा जिसमें होगा वही मैंने सबसे छोटा होगा तो सबसे छोटा दोनों मेरे पास ये आ गया और दूसरी तरह से भी आप देख सकते हो आपको वैल्यू एक बटे दो की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है पॉइंट फाइव होती है एक बटे पांच की वैल्यू होती है जीरो पॉइंट टू एक बटे दस की जीरो पॉइंट वन तो देखो जरा तीनों में मैंने निकाला सबसे छोटा अपने पास यही आ रहा है आ गया समझ में सबसे छोटा अपने पास क्या आ रहा है यानी कि सबसे छोटी अपने पास यही वैल्यू निकल रही है मैंने को सॉल्व करने पर